क्या बच्चे? माँ डॉग के साथ क्रिकेट मैच है, शाम तक आऊंगा। पुष्कर दूध पीले पुत्र, धोनी की तरह छक्के मारने हैं तुम्हें। धोनी नहीं माँ, विराट की तरह। क्रिकेट को यहाँ पढ़ाई सब आता है बाद में, सबसे पहले अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क फुल ऑफ प्रोटीन। धीरे पुष्कर। दूध ये श्वेत सोना है या सफेद झूठ? कभी सोचा है कि दूध की ये सफेद धारा आती कहां से है? क्या ये वाकई में ही इंसानों के सेवन के लिए बना है? कभी सोचा है इस पर असली हक किसका है और क्या होता है जब आप उनसे उनका हक छीन लेते हैं? क्या वाकई में ही दूध सुपर हीरो है या इस सफेदी में कुछ काला छुपा है? मांस के टुकड़े और दूध के ग्लास के बीच में कोई फर्क नहीं होता। दूध देने वाली गाय को सालों साल तक दुहा जाता है और वह बेहद पीड़ादायक दौर से गुजरती है। मैं कुंतल जॉयशर हूं और मैं अपनी मर्जी से वीगन हूं, लेकिन जज्बे से पर्वतारोही हूं। मैंने 2009 में ये संकल्प किया था कि मैं वीगन रहते हुए माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, अन्यथा नहीं। मैं डेयरी उद्योग की क्रूरता के खिलाफ खड़े रहना चाहता था। क्या आपने कभी सोचा है जब दुधारू पशु दूध देना बंद कर देते हैं उनका क्या होता है? अधिकतर ऐसे पशुओं को वध मकान भेज दिया जाता है गैर कानूनी ढंग से, वहीं से बीफ आता है। दूध की ये वो कीमत है जिस पर आप कभी गौर नहीं करते। गौ मांस का कारोबार दूध से ही चलता है। जो जीव वध से बच जाते हैं उनको सड़क पर छोड़ दिया जाता है या फिर वो किसी गौशाला में हजारों और परित्यक्त पशुओं के साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजारते हैं, जब तक कुपोषण भुखमरी और अनादर से उनकी मौत नहीं हो जाती। समय आ गया है कि अब हम अपनी आंखें खोलें और इस अन्याय को अनदेखा ना करें। ज्यादा से ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए एक पशु को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इससे पशु को प्रसव पीड़ा जैसा दर्द होता है और ये पशु को रोज दिया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादित कर सके। साथ ही गायों को फिर से गर्भवती किया जाता है जिससे वो दूध भी देती रहें और एक बार फिर से दुधारू होने के लिए तैयार रहें। इससे दूध में एक अजीब प्रकार का हार्मोनल मिश्रण हो जाता है। गाय और भैंस के दूध में तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं जिससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, हाइपोथायरॉइड, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, प्रीमैच्योर प्यूबर्टी, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। अधिकतर डेयरी गायों का दूध निकालती हैं जब तक उनकी दूध बनाने की क्षमता खत्म ना हो जाए और फिर उन्हें सड़क पर ट्रैफिक के बीच छोड़ दिया जाता है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो कचरे में खाना ढूंढती है और इस तरह प्लास्टिक खा लेती है। यही प्लास्टिक उनकी अंतड़ियों में अटक कर उनकी असमय मौत का कारण बनता है। डेयरी से ज्यादातर मवेशियों की उम्र 6 से 8 साल की रह जाती है जबकि उनकी कुदरती उम्र 26 साल तक होती है। भारत में डेयरी मवेशियों के प्रसव के 4 महीने बाद ही कृत्रिम वीर्य द्वारा जबरदस्ती गर्भधारण कराया जाता है, वो भी अकुशल स्टाफ द्वारा बेहद हानिकारक वातावरण में दर्दनाक तरीके से। दूध शरीर में कई प्रकार के विकारों से जुड़ा हुआ है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर भी। तो फिर हम इस सफेद झूठ को क्यों बेच रहे हैं? डेयरी उद्योग मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और हम कई सालों से इसे ऐसे बेच रहे हैं। आपको तब तक इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके काम करने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है जब आप दूध छोड़ देते हैं। मेरी परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरा स्टेमिना भी बढ़ गया है और ये एक 100% वीगन आधारित भोजन की वजह से है। फियापो की जांच से डेयरी उद्योग का क्रूर चेहरा सामने आया है। व्यावसायिक डेयरियों में बछड़े को जन्म के 30 मिनट के बाद ही उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। फैसला आपको करना है कि डेयरी उत्पादों का सेवन करते रहेंगे जिससे लाखों मासूम डेयरी पशुओं पर क्रूरता का वार जारी रहेगा। ये सवाल बहुत गंभीर है। क्या दूध वाकई ही उतना बलवान पेय है जैसा कि आज तक उसके बारे में बताया जाता रहा है? I refuse to be milked by the lies of the dairy industry. I don't get milked.